नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। चाइना डोर का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कई मामले हमारे सामने आते रहे हैं। कई बार बच्चों की गर्दन कटी तो कई बार पक्षियों के सिर कट गए, लेकिन आज तक चाइना डोर पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। और आज ही चंदन गुरु अखाड़े बड़वाली चौकी के पास एक पक्षी चाइना की डोर में उलझकर आकाश में लटक गया। इस मामले में जब सूचना मिली तो पशु पक्षी प्रेमी संस्था के राजू सागर मौके के साथ अपनी टीम के साथ पहुंचे और पक्षी को निकालना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि राजू सागर 1 जनवरी से अभी तक 6 से 7 दिनों में 8-10 पक्षियों की जान चाइना डोर के कारण बचा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि प्रतिबंध के बाद भी शहर में चाइना की डोर धड़ल्ले से बिक रही है और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना की डोर इतनी अधिक खतरनाक होती है कि बच्चों की गर्दन तक कट जाती है या उनकी उंगलियां तक कट जाती है।